धर्मनगर कटरा में नवरात्रा महोत्सव की शान कही जाने वाली शोभा यात्रा प्रशासन व स्थानीय लोगों के आपसी तालमेल न होने के कारण मात्र शोभा ही बनकर रह गई है। बताते चले कि बीते कई वर्षों नवरात्रा महोत्सव में शोभा यात्रा को स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन की मदद से बड़ी शान के साथ निकाला जाता था, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों की संस्कृति को झांकियों के माध्यम से दर्शाने के साथ जम्मू संभाग के पर्यटन व धार्मिक स्थलों को भी दर्शाया जाता था। लंबी कतार में लगी इन झांकियों को देखने के लिए स्थानीय लोगों सहित देश भर से मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आने जाने वाले श्रद्धालु भी आयोजन स्थल पर उमड़ते थे और नवरात्रा महोत्सव में शोभा यात्रा को देखने के लिए यात्रा में भी हर साल वृद्धि होती थी। वहीं दूसरी ओर बुधवार को नवरात्रा महोत्सव के शुभारंभ पर निकाली गई शोभा यात्रा में प्रशासन द्वारा मात्र 4 ही झांकियों को दर्शाया गया और झांकियों में अपनी भूमिका निभा रहे कलाकार भी औपचारिकता पूरी करते नजर आ रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे शोभा यात्रा मात्र मुख्य अतिथि के सामने ही प्रस्तुत करनी है, क्योंकि उद्घाटन स्थल से आगे बढ़ते ही आम जनता की तरह चलते नजर आए, जिसके चलते झांकियों का नजारा देखने आए नगरवासियों सहित श्रद्धालुओं को निराश होना पड़ा। वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर भविष्य में प्रशासन का इसी तरह का रुख रहा तो शोभा यात्रा शायद इतिहास बनकर ही न रह जाए। चलना है अगर वक्त से आगे, बदलना है अगर नजरिया, तो चलते रहिए बस वक्त के साथ। हम दिखाते हैं सबसे पहले, बेशक हो छोटी खबर या बड़ी, वक्त इंडिया, यही वक्त है।